What is up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to another video on the 23 Rides channel. So one of the last few videos that I posted was about how much you need to spend if you want to get your complete riding gear from head to toe. In this video, I'll be talking about what sort of things you should look at if you want to buy a new riding jacket and a riding pant. Right now in the market, there are multiple options available for riding jackets and pants. For somebody who is new to motorcycling, this can be very confusing क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स हैं, कौन सी टाइप की राइडिंग जैकेट लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स देखने चाहिए, एंड सेम गोज विद द राइडिंग पैंट एज वेल. एंड ये इन्वेस्टमेंट कोई बहुत सस्ती इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ बेयर मिनिमम 20,000 रुपी इन्वेस्टमेंट अगर हम राइडिंग जैकेट एंड पैंट की ही बात करते हैं तो. सो आई थॉट वाई नॉट कवर 8 थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली लुक एट इफ यू वॉन्ट टू बाई अ न्यू राइडिंग जैकेट और अ पैंट. This video is actually applicable to folks who want to start off motorcycle riding or touring, and also applicable to seasoned folks who would want to upgrade their riding gear and move to a premium riding gear brand. So let us get started with the video. The first point is the type of protection that you get in the riding gear. Obviously, this is the most important point. Now, when we talk about protection, there are three different things that you need to consider. First चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है किस quality का armor आपकी राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट में लगा हुआ है. सो आर्मर्स की ना डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज आती हैं. एक नॉक्स आर्मर आता है जो नॉर्मली आप राइनॉक्स की राइडिंग गियर में देखते हो. देन देयर इज अ D3O आर्मर जो आपको नॉर्मली प्रीमियम राइडिंग गियर्स में मिलता है. सो व्हाट आई फेल्ट इज D3O आर्मर इज वेरी गुड बिकॉज इट अपीयर्स वेरी सॉफ्ट बट ऑन इंपैक्ट इट हार्डन्स अप एंड रियली प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स अगर आप बाइक से गिरते हो. एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्योंकि मेरा 2021 में एक्सीडेंट हुआ था एंड छोटा सा फॉल हुआ था रोड पे हार्ड कॉन्क्रीट पे. टचवुड मुझे जॉइंट पे एज सच कोई डायरेक्ट इंपैक्ट से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ था. सो आई थिंक यू शुड लुक एट अ D3O आर्मर एज अ मिनिमम अगर आप एक अच्छी राइडिंग जैकेट या पैंट खरीदना चाहते हो. सेकंड पॉइंट अबाउट आर्मर इज नॉर्मली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग देयर राइडिंग पैंट्स डायरेक्टली ओवर देयर स्किन. सो उससे ना जो आर्मर आपकी जैकेट या पैंट में लगा हुआ है अगर उसके एजेस थोड़े से शार्प होना तो आपकी स्किन चैप ऑफ होती है, थोड़ा सा ना वहाँ से स्किन निकलना शुरू होती है एंड लॉन्ग राइड में वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है. उसको अवॉइड करने के लिए आई वुड से कि आप उस आर्मर के एजेस भी देखो किस टाइप का आर्मर है आपकी राइडिंग जैकेट एंड पैंट में. अगर वो शार्प है देन आपको एक मिड लेयर पहननी पड़ेगी, बेस लेयर पहननी पड़ेगी अपनी स्किन और राइडिंग जैकेट या पैंट के बीच में, जो वो बार बार जो फ्रिक्शन स्किन के साथ होता है वो अवॉइड होए. सो द थर्ड पॉइंट अबाउट आर्मर इज दैट जो आर्मर होता है ना वो आपको जब आप एक नॉर्मल पोजीशन में सीधे बैठे होगे या आप खड़े होगे तो ना आर्मर की पोजीशन डिफरेंट होती है, आपकी नी के ऊपर डायरेक्टली मे बी अलाइन नहीं हो रहा होता. एंड जब आप बाइक पे बैठते हो अपनी राइडिंग पोजीशन पे तो वो नी पे डायरेक्टली अलाइन होना चाहिए क्योंकि जब आप फॉल करते हो, जब आप गिरते हो बाइक से तो आप बिल्कुल ऐसे फुल आर्म्स एक्सटेंड करके तो नहीं गिरते, तो उसकी पोजीशनिंग स्टेबल रहनी चाहिए, वो बार बार हिलना नहीं चाहिए. आई हैव सीन सम कंपनीज यूजिंग काइंड ऑफ अ वे ऑफ इंश्योरिंग कि वो आर्मर अपनी जगह पे रहे. जैसे राइनॉक्स की राइडिंग पैंट्स में आई थिंक ऐसा होता है कि वो जो स्लैप ऑन आर्मर आता है वो आपको अपने बूट्स के अंदर घुसाना पड़ता है अगर आपके लंबे ADV राइडिंग बूट्स हैं. बट अदर ब्रांड्स जो अच्छी ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइम की जो राइडिंग जैकेट यूज़ करी थी उसमें एज सच कोई इशू नहीं होता, वो प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट होती है. इवन विद द रॉयल एनफील्ड राइडिंग गियर दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ उसमें भी जो आर्मर की पोजीशन है काफ़ी स्टेबल है, इधर उधर भागता नहीं है आर्मर आपकी डिफरेंट बॉडी पोजिशंस के हिसाब से, तो आपको वो भी एक फैक्टर देखना चाहिए जब आप राइडिंग जैकेट या पैंट खरीदने वाले हो. So three things: quality of the armor, does the armor chip off your skin or not, and third, does the armor remain in the place. These are three things which you have to look at when we are talking about the armor. So that was just point one, right? The second point is the abrasion resistance of the materials jisse riding jacket ya pant banti hai. For example, ye jo Khardungla V2 jacket hai, this is made of 610D cordura which is a very good abrasion resistance. Iska matlab ye hai ki jab agar bike se banda girta hai to uski skin scratch nahi hogi. Ye jo iski jo thickness hai ya texture hai ye iska material ka, is pe sari friction hoga agar road pe aap khiste hue jate ho to, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो तो आपकी स्किन बची रहेगी. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक एट. नेक्स्ट अप द थर्ड पॉइंट विल बी द नंबर ऑफ पॉकेट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू
डू टूरिंग ऑन योर मोटरसाइकिल, बिकॉज टूरिंग कर समय ना यू आर ऑफ टू अननोन लोकेशन, ऑफ टू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, जहाँ पे आप मे बी लाइक हफ्ता 10 दिन लंबा ट्रिप करोगे. सो आपको ना जितनी एज मच स्टोरेज स्पेस पॉसिबल है उतनी चाहिए होती. रेडीली एक्सेसिबल स्टफ इज नीडेड ऑन योर जैकेट एंड द पैंट. सो जितनी ज़्यादा पॉकेट्स होती हैं उतना ज़्यादा फायदा होता है. अराउंड 8 से 10 पॉकेट तो मिनिमम होनी चाहिए टोटल जैकेट एंड पैंट में मिला के. एंड कई जैकेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन द खारदुंगला V2 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, इसमें 10 पॉकेट्स हैं. अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉकेट्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ जिपर्स. एक्चुअली आपकी राइडिंग गियर की पॉकेट्स की ना इफेक्टिवनेस सिर्फ जिपर्स पे डिपेंड करती है. सो जब भी आप राइडिंग गियर ले रहे हो तो आप ये ध्यान देना कि किस ब्रांड के जिपर्स लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल अच्छी राइडिंग गियर में YKK ब्रांड के जिपर्स होते हैं विच आर वेरी गुड. सो अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स भी देखोगे, फॉरन ब्रांड्स भी देखोगे, तो उनकी जिपर का जो मोशन होता है पॉकेट के ऊपर, मे बी राइडिंग पैंट की पॉकेट या जैकेट की पॉकेट, वो काफ़ी स्मूथ होता है. बट यू शुड यू नो लुक एट जिपर्स विच कैन सर्वाइव द एलिमेंट्स. अगर वो ज़्यादा मिट्टी लगने से जिपर्स ब्लॉक होते हैं तो टिपिकली आपके लिए वो पॉकेट पूरी यूजलेस हो जाएगी. कई केसेस में तो पॉकेट ब्लॉक ही हो जाती है, एंड दैट इज समथिंग यू डोंट वांट इन द मिडल ऑफ द राइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज सूटेबिलिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर. अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ सर्दी या गर्मी में टूरिंग तो नहीं करोगे. अलग अलग वेदर्स होंगे. आप प्लेन से स्टार्ट कर रहे हो जहाँ गर्मी है, मे बी जून जुलाई में. आप लद्दाख आ रहे हो जहाँ पे जून जुलाई में ही मौसम काफ़ी ठंडा होता है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो बारिश भी मिलती है आपको. सो ये तीनों चीज़ों की प्रोटेक्शन आपकी राइडिंग गियर में बिल्ट इन होनी चाहिए. आजकल कई ब्रांड्स डिफरेंट लेयर्स निकाल रहे हैं दैट कैन बी वोर्न ओवर योर राइडिंग जैकेट एंड पैंट. फॉर एग्जांपल रेन लाइनर्स जो होते हैं आप अपनी राइडिंग जैकेट एंड पैंट के ऊपर पहन सकते हो. साथ ही साथ आपके राइडिंग जैकेट एंड पैंट के अंदर एक वार्मर वाली लेयर भी होनी चाहिए विच इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड इफ़ यू आर समबडी हु लिव्स इन द प्लेन्स, नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो आपकी राइडिंग जैकेट में बहुत अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए. फॉर मोस्ट केसेस एक मैश वाली जैकेट इंडियन वेदर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. एंड सेम गोज फॉर द पैंट एज वेल. मूविंग ऑन, लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ द कलर ऑफ द राइडिंग गियर. कलर के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा है मैंने नए राइडर्स के दिमाग में. बिकॉज हम लोगों के दिमाग में जो एक इमेज सेट है ना बाइकर की, वो है कि बाइकर ने ना ब्लैक कलर की राइडिंग पैंट होगी, ब्लैक कलर के शूज़ होंगे राइडिंग शूज़, ब्लैक कलर की जैकेट होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक कलर की हेलमेट भी होगी. नाइट राइडर टाइप की इमेज सेट होती है लोगों के दिमाग में व्हेन दे थिंक ऑफ अ बाइकर. सेकेंड रीज़न लोग ब्लैक राइडिंग गियर के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं इज बिकॉज ब्लैक दे फील इज़ अ कलर ऑफ मैस्कुलिनिटी, राइट. बंदा लगता है स्ट्रॉन्ग ब्लैक पहन के, बट ऐसा कुछ नहीं है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफ यू आर राइडिंग इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेदर्स एंड राइडिंग कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज अगर आप लद्दाख एंड स्पिति कर रहे हो या ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपकी राइडिंग टेरेन में बहुत सारा ऐसा टेरेन आता है जहां पे देर इज अ लॉट ऑफ मक, जिसे कहते हैं कीचड़ मिट्टी एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर, तो आई फील ब्लैक राइडिंग गियर ना बहुत ज्यादा जल्दी गंदी होती है. एंड उस पर जो भी धूल मिट्टी व्हाटएवर जो भी लगता है राइड करते समय वो बहुत ज़्यादा चमकता है. सो व्हाट आई फील नाउ इज ब्लैक इज़ द वर्स्ट कलर इन टर्म्स ऑफ राइडिंग गियर. एंड देर आर टू कलर ऑप्शंस दैट आई वुड एक्चुअली रिकमेंड फ्रॉम माय साइड, ग्रे राइडिंग पैंट एंड ग्रे राइडिंग जैकेट. मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ग्रे की बात कर रहा हूँ. दिस इज माय क्लाइंब राइडिंग जैकेट एंड दिस इज बाय द वे 1000D कॉर्डोरा. तो इसका कलर देखो आप ग्रे. इस पर जब मिट्टी लगती है ना तो ये इतना ज़्यादा चमकता नहीं है बिकॉज ये अपने आप में एक डल टाइप का कलर है जो मिट्टी के साथ थोड़ा सा मिलता है. एंड अनदर कलर डैट यू कुड एक्चुअली यूज इज द सैंड ग्रे कलर. सैंड कलर समझ रहे हो ना, बिल्कुल मिट्टी के कलर से मैच होता हुआ. तो उसमें क्या होता है, अगर वो मिट्टी लगती भी है आपकी राइडिंग गियर के ऊपर तो वो बुरी नहीं लगती एंड मेंटेन करने भी काफी ईजी होता है. सो अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की विच इज द विजिबिलिटी, द नाइट टाइम विजिबिलिटी. राइडिंग पैंट एंड जैकेट उसकी विजिबिलिटी नाइट में काफी अच्छी होनी चाहिए, पीछे से जो आपके ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए भी और जो आगे से ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए भी. तो इसको इंश्योर करने के लिए राइडिंग गियर पे ना कुछ स्ट्रिप्स दिए होते हैं जिस पे जब लाइट पड़ती है पीछे से ट्रैफिक की आगे से ट्रैफिक की तो वो शाइन करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस राइडिंग जैकेट को देखो तो इसमें जो जिपर्स का कलर है नियॉन कलर है जो काफी ज्यादा चमकता है. एंड अलोंग विद दैट अगर आप यहां पे देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अ रिफ्लेक्टिव लाइन जिस पे पीछे से अगर व्हीकल्स की लाइट पड़ती है तो ये शाइन करती है. तो एज अ राइडर आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है बाकी ट्रैफिक के लिए. पॉइंट नंबर 7 इज
the size adjustability on your riding gear. Riding gear, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, is kind of a long term investment. Long term means 4-5 साल तो यार लोगों की riding gear अच्छी चलती है अगर वो ठीक से उसे maintain करें, time पे wash करें. आप जो riding gear select करो तो riding gear के अंदर size adjustability straps definitely होने चाहिए. जैसे आपकी riding pant में belt में straps होते हैं and riding jacket में waist adjustable straps होते हैं कि अगर आपको loose है तो hang ना करे, फड़फड़ाए ना जब आप विंड में हाई स्पीड राइडिंग कर रहे हो, या अगर आप मोटे हो गए हो थोड़े से तो आपके लिए जगह हो उस सेम राइडिंग गियर को अपने डिफरेंट एंड इंक्रीज्ड और डिक्रीज साइज में यूज करने के लिए. तो साइज एडजस्टेबिलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली वी आर एट द लास्ट पॉइंट विच इज अ सॉफ्ट कॉलर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप टूरिंग कर रहे होते हो, पूरे पूरे दिन बाइक चलाते हो, लिटरली लाइक 12-13 घंटे बाइक चलानी पड़ती है अगर आप लंबे रोड ट्रिप पे जा रहे हो, तो ये जो कॉलर एरिया होता है ना आपकी राइडिंग जैकेट का, ये सॉफ्ट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी समथिंग वेरी हार्ड. इजीली ऐसे ना मुड़ जाना चाहिए. अगर आप देख रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मुड़ जाना चाहिए. एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद व्हाट योर हेलमेट. जब आप हेलमेट पहनते हो तो आपका हेलमेट यहाँ होता है. इट शुड नॉट यू नो constantly hit the helmet and make you feel uncomfortable कि पूरे दिन ये क्या चल रहा है, यूँ ऐसे कर रहा है बंदा, right? So soft collar होना is also a very important thing and this point is obviously very particular to the riding jacket, not the riding pant. So that is, I would say, a comprehensive list of 9 items that I think everyone should look at. इससे ज़्यादा एक दो पॉइंट हो सकते हैं depending on your use and your body type. But these 9 points I feel would give you a good guiding framework अगर आप riding jacket या pant खरीदने जा रहे हो market में. And this will help you make your decision about investing in riding gear a good one and a right one which will last for years to come. So I hope this video was kind of useful for those people who are out in the market right now, जो riding gear खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या upgrade करने के बारे में सोच रहे हैं. So that is it for this one guys. I will see you in the next one. Bye-bye.